बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों अब अपना उर्दू का सबक देखिए। आप लोगों के उर्दू के सबक का नाम है दोस्त के नाम खत। बच्चों हमने इसकी पढ़ाई और इमला कर ली थी, इसके अल्फाज मानी कसीरुल इंतखाबी सवालात थे वो, और कुछ मुख्तसर सवाल थे वो हमने कर लिए थे। आज हम कुछ मुख्तसर सवाल रहते हैं आप लोगों के वो करेंगे। देखिए बच्चों सवाल जवाब। पहला सवाल है, कबड्डी के खेल में कितनी टीमें होती हैं और वो कितने खिलाड़ियों पर मुश्तमल होती है? इसका जवाब है बच्चों, कबड्डी में दो टीमें होती हैं, हर टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। ये बच्चों नोट्स पे इसका जवाब दिया गया है, आपने नोट्स में से याद कर लेना है। अब आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल है, कबड्डी के खेल में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? इसका जवाब है बच्चों, कबड्डी के खेल में इस वक्त बहुत मज़ा आता है जब कोई खिलाड़ी अपनी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से खुद को छिड़ाकर अपनी टीम में पलट आए। बच्चों इसका जवाब आप लोगों ने अपने उर्दू के नोट्स में भी देख लेना है, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। अब आगे हैं बच्चों तफसीली सवालात। इसका सवाल नंबर एक देखना है आप लोगों ने, इस खत में कौन कौन से खेलों का तذکرہ किया गया है? इस खत में छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, आंख मचोली, बर्फ पानी, ऊंच नीच, पहल दूज, कोड़ा जमाल, शाही गुल्ली डंडा, पिट्टू गरम, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों का जिक्र किया गया है। बच्चों इसका जवाब भी नोट्स पे आप लोगों ने देख लेना है, वहां से भी याद करना है। अब आगे देखिए बच्चों, कबड्डी के खेल का तरीका अपने अल्फाज में लिखिए। बच्चों कबड्डी खेलने का तरीका, इस खेल में दो टीमें होती हैं, हर टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल खुले मैदान में खेला जाता है, मैदान के दरमियान एक लकीर खींच दी जाती है जिसे पाला कहते हैं। पाले के दोनों जानेब दो टीमें खड़ी होती हैं, रेफरी सीटी बजाकर खेल का आगाज करता है। एक टीम का खिलाड़ी जिसे साईं कहते हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ी जाफी को हाथ लगाने जाता है और इस दौरान कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। इन खिलाड़ियों में से कुछ जाफी और कुछ साईं बनते हैं। इस दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ी इसे पकड़कर चिट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपनी जानेब वापस आ जाए तो उसे एक नंबर मिल जाता है, और अगर वो पकड़ा जाए या इसका कबड्डी कबड्डी कहते हुए सांस टूट जाए तो मुखालिफ टीम को एक नंबर मिल जाता है। इसी तरह बारी बारी ये दोनों टीमें इस अमल को दोहराती हैं। बच्चों ये कबड्डी खेलने का तरीका होता है। ये बच्चों आपके नोट्स में भी दिया गया है जवाब, आपने अपने नोट्स में भी देख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
बच्चों आप लोगों ने अपने ये सवालात अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है, और फिर ये मुझे आप लोगों ने सुनाने हैं। ओके, सिक्स क्लास, अल्लाह हाफिज़।